दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडोनेशिया में मौजूद एक अजीब कबीले की। इस कबीले के लोग हर एक साल बाद अपने मुर्दों को कब्र में से क्यों निकालते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस कबीले का नाम तोरजा कबीला है। यह कबीला अपने मुर्दों को कब्र में से निकालकर एक त्यौहार मनाता है और इस अनोखे त्यौहार की बदौलत ही यह कबीला मशहूर हुआ। इंडोनेशिया के सुबह जनूबी सलावासी में मौजूद कबायली इलाका तोरजा में बसने वाला तोरजा नामी कबीला हर साल सितंबर के इब्तदाई दिनों में कब्रों को उखाड़ कर अपने मुर्दों को उन घरों में लेकर जाते हैं जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होती है। उनके मुताबिक इंसान मरने के बाद भी उनके साथ मौजूद रहता है और अपने घर की ज्यारत के लिए बेचैन होने की वजह से हम अपने मुर्दों को हर साल कब्रों में से निकालकर घर ले आते हैं। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि न सिर्फ वो मुर्दों को घर में लाते हैं बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह काफी खाता तवाजा भी करते हैं। अपने मुर्दों को ये लोग नए कपड़े पहनाते हैं, उनके बालों को सेट करते हैं और उन पर परफ्यूम लगाने को लाजमी समझते हैं। और इसी तरह अगर कोई छोटा मुर्दा मतलब बच्चा होता है तो उसे दोबारा कब्र में दफनाते वक्त उसके साथ खिलौने भी रखे जाते हैं और फौतशुदा जोड़े यानी मियां बीवी को नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको साथ ठहराया जाता है और उनके साथ तस्वीरें भी बनवाई जाती हैं। हर साल कपड़े खोदने का ऐलान उनके मजहबी पेशवा की जानिब से किया जाता है और यह रस्म एक हफ्ते तक जारी रहती है। रस्म के ख़त्म होते ही लवाकीन अपने मुर्दों को हनूद लगाकर महफूज कर लेते हैं और इसके बाद मुर्दे से पुराना मसाला उतार कर नया मसाला लगाकर उसे कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही वहाँ के मकामी दस्त के पत्ते भी कपड़े के अंदर रखे जाते हैं। ये सब करने के बाद मुर्दे के बाजुओं को लकड़ी से बांधकर लकड़ी के दबोच में इस तरीके से रखा जाता है कि मैयत बिल्कुल सीधी खड़ी रहे और इलाके के एक पहाड़ में बने गारनुमा कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। कबीले वालों की जानब से इस त्यौहार को मुर्दों की ईद भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस कबीले के बुजुर्ग लोगों को अपने इलाके से बाहर सफर करने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि फौतगी की सूरत में इसकी मैयत को हर साल अपने घर पहुंचाना बाय से परेशानी भी हो सकता है। अगर इस तोरजा कबीले के रहन सहन और आबादी की बात की जाए तो इस कबीले के तकरीबन 3,000 के करीब आबादी है। ये लोग दरख्तों पर अपने घर बनाते हैं। इनका जरिए माश शिकार और माहीगिरी है। हर साल सितंबर के महीने में मुर्दे को कब्र से निकालने वाली रस्म को उनकी मुकामी जुबान में माइनिंग कहते हैं। यहाँ एक अजीब बात यह भी है कि आम दुनिया में रहने वाले इंसान और तोरजा कबीले के लोगों का सामना पहली बार मार्च 1974 में हुआ था। इससे पहले मगरबी ममालिक से जाने वाले लोगों को वो भूत सफर करते थे और खौफजदा रहते थे, मगर अब हकीकत इसके बरक्स है। हर साल सितंबर के इब्तदाई दिनों में लोग उनकी इस रस्म को बाकायदा तौर पर देखने जाते हैं और वहाँ पर खूब सेल्फियाँ लेते हैं और इंजॉय करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।